पाकिस्तान फेमस टिकटॉकर हरीम शाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान की तीसरी अहलिया बुशरा बीवी के निकाह को जाली कहने पर मुफ्ती कवि को आड़े हाथों ले लिया। आपको बताते चले कि मुफ्ती कवि ने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू के दौरान इमरान खान और बुशरा बीवी के निकाह के मामले पर बात करते हुए कहा था कि बुशरा बीवी की खुला का मामला यकतरफा था, जिसकी वजह से वो अब भी खावर मानिका की बीवी है। लिहाजा मुफ्तियाने कराम ने इमरान खान और बुशरा बीवी के जो दोनों निकाह पढ़ाए थे वो दोनों गलत। हरीम शाह ने ट्विटर पर माजी में मुफ्ती कवि को थप्पड़ मारने की वीडियो एक बार फिर से शेयर कर ट्विटर कैप्शन में उन्होंने लिखा कि जाली मुफ्ती अब्दुल कवि ने अपने हालिया इंटरव्यू में बकवास की कि खान साहब का निकाह गैर कानूनी था, ये रहा मेरा इस शरी आदमी को जवाब। दूसरी तरफ एक और ट्वीट में टिकटॉकर हरीम शाह का कहना था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM और मौलाना फजलुर रहमान के लिए कल सुबह 11 बजे एक अहम वीडियो पैगाम जारी करूंगी। पाकिस्तानी आवाम को मुखातिब करते हुए हरीम शाह ने कहा कि वक्त आ गया है पाकिस्तानी आवाम मौलाना के भी करतूत जान ले। तो आखिर हरीम शाह के पास मौलाना फजलुर रहमान की ऐसी कौन सी वीडियोस है जो उनके लिए नुकसान का बायस बनेगी? जानने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।